सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमर जवान ज्योति फिर वहां से एसएमएस स्टेडियम पहुंची और उसके बाद अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक सचिवालय संघ के पदाधिकारीगण, विभिन्न संघों के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथी, मुझे खुशी है कि 20 साल से मैं लगातार आपके बीच में मौका लगते आता हूँ और एक परिवार की तरह मुझे लगता है जब आता हूँ तो शानदार प्रोग्राम, शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलता है। आज मेरी इच्छा थी मैं तुम्हें बैठ के प्रोग्राम देखता हुआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसमें जल्दी जाना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष आता है तो कर्मचारी संघ भी उसको उसी उल्लास के साथ मनाता है जो हमारे कर्तव्य भी है। आज़ादी के बाद में लगातार, आज़ादी पहले भी संघर्ष थे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जान दे दी, कई लोग जीवित थे, कई लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उन सबको हम नमन करते हैं, सदा से याद करते हैं। दूसरी तरफ हमारी सेनाओं के लोग भी लगातार आज़ादी के बाद में भी सेना की रक्षा करते हैं कि शहीद हो गए वो हमारे लिए बहुत ही गर्व रखते हैं कि रखता है कि घर घर में शहीद होने वाले लोग हैं और आज भी सीमाओं रक्षा करने में सक्षम हैं। आपके दुआओं से मुझे तीसरी बार एक मुख्यमंत्री पद संभालने का मौका मिला। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबको साथ लेकर के संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासन की बात की है उस हम लोग खड़े होते हैं, उसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग की आवश्यकता है। हमेशा आप सहयोग करते आए हैं और सरकार ने भी आपकी मांगों को हमेशा दौड़ दी है, मांगे कि पूरी की है कि पूरी नहीं हो पाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हम सब मिलकर के सुचारण देंगे तो मांगे की क्षति पूरी होगी, क्योंकि डीए आपका अभी तक बाकी है। पिछली बार मैंने कहा था कि डीए की आपने मांग इसलिए नहीं करी कि इतिहास गवाह है, जब कभी डीए डिक्लेयर हुआ दिल्ली में सुबह शाम को रेडियो बोल के राजस्थान के लिए, इस बार रेडियो बोला नहीं था, अनाउंस हुआ नहीं था, पर आपने बड़प्पन दिखाया, कोई मांग नहीं करी। आज मांग उठी है वापस किसी किसी रूप के अंदर। हमको चिंतित हैं, हम चाहेंगे कि आपकी तमाम मांगों को अभी CS बोलने के बाद में हम चाहेंगे कि उस पर गौर करें, जो संभव है उसको लागू करें। आपको विश्वास में लेना, अगर लागू नहीं कर पाते हैं तो आपको विश्वास में लेकर के फैसला करें। इस रूप में हम चाहेंगे कि सचिवालय के कर्मचारियों का, अधिकारियों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहे, आपका ऊंचा रहेगा तो जाके राजस्थान बाकी जो कर्मचारी हैं जिले में, ब्लॉक में, गांव में, उनका मनोबल बढ़ेगा, आप उनको भी सेव करें। और जो सचिवालय लोग आते हैं राजस्थान भर से, उनको विशेष आता हो जाते हैं, मेरी अपील रहेगी, क्योंकि यहाँ तभी आता व्यक्ति जब उसको जिले में रात नहीं मिलती है और वह उनका अपना समस्या होती है, उसका समाधान करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जल्दी आपकी एक मीटिंग बुलाएंगे, तुम चाहे संघों की भी, आप फिर बातचीत भी करेंगे, आगे भविष्य की प्लानिंग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर के, क्योंकि परिवार की तरह है तो अलग कुछ नहीं है, सरकार के आंकड़े आपके पास रहते हैं, सरकार की फाइनेंशियल स्थिति क्या है वो आपसे छिपी रहती है, गवर्नेंस कैसी हो रही है विभिन्न विभागों के अंदर वो आपके ध्यान में रहती है, तो क्यों नहीं हम लोग मिलकर के जो फैसले सरकार करती है वो गांव तक कैसे उसका लाभ मिले, सर्विस डिलीवरी कैसे पूरी हो, पुख्ता हो, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका आपको अदा करनी है। जैसे निरोगी रास्ता की बात हमने करी, इतना बड़ा काम है जो सबके सहयोग से संभव है, सब विभाग हैं, सब संगठन है और सब लोग हैं, आम जनता भी शरीक होगी तब जा करके दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, आयुष्मान भारत को हमने अडॉप्ट कर लिया, 5 लाख तक अब बीमा उसके अंदर, और बाद में सरकार ने फैसला किया कि हम निरोगी राजस्थान को प्रिवेंशन मेडिसिन
के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ये अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे भागीदारी हो और यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं श्री देवेंद्र सिंह जी से एक अवश्य अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। आगे मत आओ, आगे मत जाओ। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना संबोधन दिया, कई बातों का जिक्र किया, जो सचिवालय के कर्मचारी हैं उनकी हौसला अफजाई की, उनके काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 20 साल से मौका लगते ही मैं आता हूं, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा, वरना मेरी इच्छा थी कि मैं यहां कुछ देर और रुकता। सरकार भी आपकी मांगों पर ध्यान देती है और महंगाई भत्ते की मांग नहीं की, इस बार अनाउंस नहीं हुआ रेडियो में। तमाम मांगों पर सीएस गौर करेंगे और सचिवालय कर्मियों का मनोबल ऊंचा रहेगा। हालांकि यहां तभी आता है व्यक्ति, उनकी तरफ से कहा गया, जब जिले में राहत नहीं मिलती। जल्द ही आपकी संघों की बैठक बुलाएंगे, चर्चा करेंगे और माली हालत आपसे छिपी नहीं है, ये सब जानते हैं। निरोगी राजस्थान का जिक्र करते हुए एक बार फिर से उन्होंने कहा कि इसमें सभी का सहयोग जरूरी है और अब मुख्यमंत्री यहां से रवाना हो रहे हैं। निरोगी राजस्थान अभियान के क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं इस पर आगे भी चर्चा की जाएगी, काम किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला अब यहां से रवाना हो रहा है। आज सुबह से ही वो अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, सचिवालय कर्मचारी